नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की बुनकर महिलाओं को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में कुल्लूवी हैंडीक्राफ्ट, रंग बिरंगे उत्पाद विदेशी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इनमें कुल्लूवी ऊनी शॉल, ऊनी टोपी, मफलर, स्वेटर और सॉक्स के साथ साथ दर्जनों अन्य उत्पाद शामिल हैं। इस प्रदर्शनी को लेकर कुल्लू के नग्गर गांव की ग्रामीण महिलाओं में खासा उत्साह है। वोकल फॉर लोकल अभियान से देश विदेश में स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हो रही है। स्थानीय बुनकर महिलाओं का कहना है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लुप्त हो रहे उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी और ऊनी उत्पादों की मांग बढ़ने से भेड़ पालकों को भी लाभ होगा। बुनकर महिलाओं ने बताया कि वे वर्षों से ये उत्पाद तैयार कर रही हैं और इन्हें प्राकृतिक रूप से सुखाकर तैयार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे कुल्लूवी प्रोडक्ट्स प्रदर्शित होंगे, डिस्प्ले होंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर मंच पर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स, हर हमारे ग्रुप की हर महिलाएं लोकल प्रोडक्ट्स, कुल्लूवी प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश की आर्थिकी सुदृढ़ीकरण के लिए लोकल फॉर वोकल के को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे और हमारे कुल्लूवी प्रोडक्ट्स की डिमांड देशों और विदेशों में धीरे धीरे बढ़ रही है। अपना हैंडलूम का हैंड सारा काम अपने हाथ से ही करते हैं। जैसे पिछले 12-13 साल से हम काम कर रहे हैं, बनाते हैं स्वेटर, मोजरी, सॉक्स, शॉल, पट्टू, ये प्रोडक्ट हमारे हम तैयार करते हैं और G20 में हमारा प्रोडक्ट प्रदर्शित हो रहा है और इससे हमें बहुत खुशी है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। 12 सालों से हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट काम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे स्वेटर हो गए, सॉक्स, ग्लव्स, इससे हमारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, मतलब सबको रोज़गार मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी जब भी विदेशों में जाते हैं तो वो हमारे हिमाचल का जैसे प्रोडक्ट पहनते हैं, टोपी, जैकेट वगैरह, तो इससे वो प्रचार कर रहे हैं। जैसे हमारे कुल्लू का टोपी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कुल्लूवी भीम सोसाइटी के संस्थापक भृगु आचार्य ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उत्पाद तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं और G20 सम्मेलन की प्रदर्शनी में कुल्लूवी भीम्स के उत्पाद डिस्प्ले होने से इन्हें और अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। कॉन्सेप्ट है लोकल फॉर वोकल और इससे बहुत सारे शेफर लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी लेडीज़ों को भी फ़ायदा हो रहा है। अभी हमारे पास करीब 3-4 गांव की लेडीज़ों के साथ हम काम कर रहे हैं। आने वाले टारगेट ये है हमारा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की औरतों के साथ हम काम करें। गर्व की बात ये है कि 4-5 साल से लोकल फॉर वोकल पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत अच्छे से इसको प्रमोट कर रहे हैं और देश विदेश में हमारी टोपी, मफलर लगा के जाते हैं और इससे ये हिमाचल के लिए बहुत सी गर्व की बात है कि जो भी हमारा ये प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मंच और चाहे कोई भी इवेंट हो उसमें प्रदर्शित होता है, इस पर हमें बहुत खुशी है। कुल्लू के SDM अश्विनी कुमार ने बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान प्रगति मैदान में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा भाग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के स्थानीय उत्पाद डिस्प्ले किए जाएंगे। G20 समिट जो दिल्ली में 9-10 सितंबर को हो रहा है और उसमें प्रगति मैदान में एग्जीबिशंस लग रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेट कर रहा है,
हिमाचल के विभिन्न ज़िलों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें डिस्प्ले किए जाएंगे, और इसमें कुल्लूवी शॉल्स, कुल्लूवी टोपियाँ और हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिस्प्ले किए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के हिमाचल प्रदेश में सार्थक परिणाम नजर आ रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को देश सहित विदेशों में भी पहचान मिल रही है। डीडी न्यूज के लिए कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट।